हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं चालू हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों, हमने कल हिंदी की परीक्षा का प्रश्न पत्र सॉल्व किया था। आज हम 9 मार्च का गणित का प्रश्न पत्र हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कक्षा पहली का विषय गणित का हम यहाँ देखते हैं। सही उत्तर चुनें। देखिए बच्चों, एक एक प्रश्न से लेकर 5वें प्रश्न तक हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है सबसे हल्के से भारी के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है बच्चों, जैसे सबसे हल्का क्या है, फिर उससे भारी क्या है और उससे भारी क्या है, तो यहाँ पिक्चर में हमें देख करके, चित्र में देख करके यहाँ पर हमें सही क्रम में निशान लगाना है। 60 के बाद क्या आता है, यहाँ चिन्ह लगाना है सही का। अंग्रेजी अक्षरों की संख्याएं बताइए, तो आपको अंग्रेजी अक्षरों की यहाँ पे संख्या बतानी है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, 9 + 8 कितना होता है वो आपको यहाँ बताना है। कौन सी पुस्तक मोटी है, यहाँ आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक मोटी है। अगला प्रश्न देखिए, 6 से लेकर 10 तक का सही या गलत का निशान लगाइए। प्रश्न 6 में है, 6 और 10 को जोड़ के 20 बनता है। बच्चों 6 और 5 को जोड़ के देख सॉरी 5 और 10 को जोड़ के देखिए कितना बनता है। हम सुबह सोते हैं, 50 के बाद 49 आता है, सोमवार के बाद मंगलवार आता है, सूरज सुबह उगता है। तो भैया बच्चों, आपको यहाँ पे सही और गलत का निशान लगाना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित सवालों का जवाब दें। 11 से 15 तक के प्रश्न में बच्चों हमें देखिए क्या पूछा गया है। 11वां प्रश्न है, रमेश अपने भाई से खाली स्थान है, वह कक्षा में भी खाली स्थान है, लंबा है, लंबा सबसे लंबा या छोटा। ठीक है, इनमें से आपको छांट के यहाँ लिखना है सही विकल्प। 12वें में लिखा है खाली बक्सों में भरे। देखिए बच्चों, एक फिर खाली बक्सा दे दिया, 3 फिर खाली बक्से दिए, फिर 7। तो बच्चों आप सभी को देखिए ये पूरा करना है कि इसके बाद क्या आएगा इन खाली बक्सों में। अगला प्रश्न 13 देखिए, मेरे पास 18 रंग थे, मैंने अपने दोस्त को 6 रंग दे दिए, अब मेरे पास कितने रंग शेष रहे हैं। तो बच्चों इसको भी आप सॉल्व करके देखिए। प्रश्न 14 देखिए, सप्ताहों के दिनों के नाम को सही क्रम में लिखिए। जो बच्चों प्रश्न आपके सप्ताह हैं, ठीक है, उसके दिनों के नाम सही क्रम में लिखिए। 15वां प्रश्न देखिए बच्चों, आपको बोला गया है कि मोतियों की कुल संख्या लिखिए। अब बच्चों यहाँ एक मोती, एक माला में कितने मोती हैं, इस तरह से सब माला में गिन के और यहाँ पे हमको लिखने हैं कि कितने मोती हैं। चित्र आधारित प्रश्न 16वां प्रश्न देखिए, वस्तुओं को उनकी छोटी वस्तु से मिलाएं। जैसे बच्चों यहाँ पे आपको जो चीज़ यहाँ दी गई है उसे उसी की चीज़ छोटी वस्तु से मिलान करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नीचे दी गई चीज़ों में से उनका चित्र बनाएं जिनका आप सर्दियों में उपयोग करते हैं। दस्ताने, पंखा, कूलर, आइसक्रीम, ऊन की टोपी और एसी। तो बच्चों इनमें से आप सर्दियों में क्या क्या उपयोग करते हैं, उन सभी का आपको यहाँ चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है वर्णात्मक प्रश्न 17 देखिए, सबसे हल्के से भारी के क्रम में व्यवस्थित करिए। बच्चे सबसे हल्का क्या होता है, फिर भारी क्या होता है, फिर सबसे भारी क्या होता है, आपको इनके व्यवस्थित क्रम में यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को 17वां प्रश्न इस तरह से कंप्लीट करना है। 18वां प्रश्न देखिए, गिनती करो निम्नलिखित आकृतियों की संख्या बताएं। देखिए बच्चों यहाँ पे हमें आकृति क्या दी गई है, त्रिकोण। त्रिकोण के बच्चों यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, यहाँ चौकोर है, ठीक है, और यहाँ गोल है। तो बच्चों आपको देखिए यहाँ पे इन सब चीज़ों की आकृति को देखकर आपको यहाँ पे लिखना है कि ये कितने यहाँ पे आकृतियाँ इस्तेमाल की गई है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया होगा यहाँ पे अच्छे से। तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद बच्चों।